वेलकम यू ऑल इन आर एस बी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचपी में जो टेट एग्जामिनेशन दिसंबर में आयोजित किया गया था, उसके बाद अभी हाल ही में जो है वो इसकी प्रोविजनल आंसर की जो है वो बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई है, उसके अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत हैं, या तो वो क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं या तो उनका जो आंसर प्रोविजनल की में दिया गया है वो गलत है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, साथ में आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स किस तरह से लेनी है, और ग्रेस मार्क्स को लेने के लिए आपको बोर्ड में जो है वो किस तरह से फॉर्मेट भेजना है, और कौन कौन से जो क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, हम जो है लगभग पूरे डेमो जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टेट एग्जामिनेशन जिन्होंने टेट एग्जामिनेशन दिया था सभी स्ट्रीम्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन का जो है वो कंफ्यूजन है, और उस 3 से 4 नंबर जो है वो आपको ग्रेस मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है वो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, और यदि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करें, या आप हमारा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको जो है वो हर संभव सहायता मिलेगी, और जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगी आप जरूर कमेंट करिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम डिटेल में चलते हैं बोर्ड की वेबसाइट में। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो हम एग्जांपल के लिए टीजीटी आर्ट्स का जो है आंसर की जो कि रिलीज किया गया है बोर्ड की तरफ से, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत पूछा गया है या उसका आंसर कुछ और होना था, तो आपको जो है सबसे पहले उसका एक जो है वो फॉर्मेट तैयार करना होगा कि एक्चुअल में आपने ऑब्जेक्शन किस तरह से करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन को राइट डाउन करने के लिए आपको एक पीडीएफ फाइल उसका बनाना होगा बोर्ड के अंदर, और उसके बाद जो है वो उसमें आपको पहले डिटेल लिखना होगा। डिटेल लिखने के बाद उसमें जो है वो आपको जो भी उसका रिटर्न प्रूफ होगा वो आपको अटैच करना पड़ेगा, और अटैच करने के बाद आपको बोर्ड की इस वेबसाइट में 7 तारीख से पहले भेजना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, आपको 7 तारीख से पहले जो है वो बोर्ड में आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो और डाक के थ्रू भी भेज सकते हो, और यदि आप बाई हैंड जमा करवाना चाहते हो तो 7 तारीख से पहले पहले आप बाई हैंड भी जमा करवा सकते हो, बट बेस्ट जो तरीका रहेगा वो ईमेल का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से ईमेल रखनी है और किस तरह से पीडीएफ बनानी है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स, हमें ये जानना होगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लीजिएगा और अपनी सीरीज के हिसाब से उसे मेंशन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम टेट एग्जामिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। तो टेट एग्जामिनेशन में मान लो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू राइट आंसर इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, लार्जी विद्युत परियोजना जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो है इस तरीके से आपको जो है वो सबसे पहले यहां पे मेंशन करना है कि राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपको अपना नाम लिखना है, आपके फादर साहब का नेम लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फादर डॉटर जो भी व्हाटएवर है आप लिख सकते हो, ये रोल नंबर मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया है, आपको रोल नंबर इस तरह से मेंशन करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हो, बाकी ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप कर सकते हो इसको, और उसके बाद आपको टीजीटी आर्ट्स का जो भी आपका स्ट्रीम है फ्रेंड्स, अगर आपका टीजीटी आर्ट्स है तो देन टीजीटी आर्ट्स रखिए, जेबीटी है तो जेबीटी रखिए, और टेट नॉन मेडिकल व्हाटएवर जो भी स्ट्रीम है वो आपको यहां पे मेंशन करना है। उसके साथ साथ यदि आपने एग्जाम डेट क्या थी वो भी आपको मेंशन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपकी पेपर की सीरीज क्या थी वो आपको यहां पे मेंशन करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो है वहां पे चेकआउट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, यदि आपने अपना मोबाइल नंबर देना है तो वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर देना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर भी यहां पे अपना ऐड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐड कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है वो करना है कि आंसर की ऑब्जेक्शंस, आपको आंसर की के अंगेंस्ट जो है वो कौन से क्वेश्चन के लिए जो है वो ये करना है, तो देन सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पे क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस नंबर है उस सीरीज के अकॉर्डिंग वो मेंशन करना है, और वो क्वेश्चंस टाइप करना है यहाँ पे। टाइप करने के बाद उसका राइट आंसर जो है वो ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आंसर की में गलत दिया गया है आंसर वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बट आंसर की राइट आंसर इज मेंशन रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज D1। ठीक है, और अब आपको
प्रूफ देना है कि इस क्वेश्चंस का आंसर जो है यदि सी है तो सी क्यों है, तो वो आपको यहाँ पे रेफरेंस देना कि आपने किस वेबसाइट से लिया है। मैंने ये जो जानकारी है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से भी निकाली है, और साथ में एक रेफरेंस बुक रहेगी हिमाचल दर्पण करके, तो हिमाचल दर्पण में भी जो है इसका पेज नंबर व्हाटएवर जो भी पेज है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, और रिटन बाय या पब्लिकेशंस किस पब्लिकेशंस के अंडर जो है वो बुक्स आती है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, यदि आपने सही प्रूफ नहीं दिया तो देन आपका ऑब्जेक्शन जो भी है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने जैसे इस क्वेश्चन के अगेंस्ट ये प्रूफ जो है वो अटैच किया है यहाँ पे आकाश पब्लिकेशन, देख ली फ्रेंड्स आप, ये हमें किसी स्टूडेंट्स ने ही भेजा था, और इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपको अटैच करना होगा। और यदि आप फ्रेंड्स राइट डाउन नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से स्नैपशॉट भी लगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें स्टूडेंट्स ने पूछा भेजा था, इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी गलत पूछे गए, इनका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से होना था, बट आंसर की इमेज जो है इसका आंसर ये दिया गया है। तो ये जो है ये क्वेश्चंस भी गलत पूछा गया है, वीट ग्रोन इज इंडिया, ये भी जो आंसर की के हिसाब से है वो यहाँ पे गलत दिया है, बट एक्चुअल में ये आंसर इसका होना चाहिए था, ठीक है विंटर सीजन्स फ्रेंड्स। तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे आप अटैच कर लीजिए, जो भी आप क्वेश्चंस रखोगे उसके साथ में आपको इसका प्रूफ एंटर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस भी गलत था, ये भी हमें स्टूडेंट्स ने ही भेजा था, तो इसका राइट आंसर जो है रसिया रहना था, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये भी लार्जी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो आपको फ्रेंड्स ये इस तरीके से जो है ये पहले वर्ड में एक फाइल बनानी है, और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा यदि किसी स्टूडेंट्स को ये फाइल बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी आपकी कंटेंट जो भी क्वेश्चंस आपका गलत होगा प्लस जो भी आप प्रूफ होगा वो आप मेरे को सेंड आउट कर दीजिएगा, वो प्रूफ मैं फाइनल प्रूफ बना के जो है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस फाइल को जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहां पर सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसका जो भी मेंशन है वो देना है, और यहाँ पे आपको इसको जाके पीडीएफ करना है, एंड देन इसको सेव कर देना है जहां भी आप इसको सेव करना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतना काम करने के बाद ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब आपको जाना है फ्रेंड्स जीमेल के अंदर, जीमेल में जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जीमेल में जाइएगा आप, मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करके रखा है, तो ये जो ईमेल एड्रेस है इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो आपको ये फाइल सेंड आउट करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपली आप ये करिएगा, एंड यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो मेंशन करना है टैट आंसर की ऑब्जेक्शंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी मैंने ये डिटेल लिखा है, अगर आपको ये डिटेल लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपने सिंपल अपना नाम नेम जो भी है व्हाटएवर चेंज करना है, और इस तरीके से आपको यहां पे मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने के बाद आपको एक ध्यान रखना है, अपनी सीरीज को जरूर मेंशन करना है, एंड आपका टैट का जो भी सब्जेक्ट है वो आपको जरूर मेंशन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने के बाद यहां पे भी आप टाइप करके लिख सकते हो फ्रेंड्स, और यहां पे भी आप अटैच कर सकते हो फ्रेंड्स, और इस तरीके से जो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेंड पे क्लिक करना है, और आपकी फाइल जो है वो इस तरीके से बोर्ड को सेंड आउट हो जाएगी। ये तो रहेगा एक तरीका। अगर आपने वाई पोस्ट करना है तो देन जो पीडीएफ फाइल है उसका प्रिंटआउट ले लीजिएगा, प्रिंटआउट लेने के बाद आपको एज इट इज इस तरह से जो है वो फाइल बनानी पड़ेगी, जो जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये करने के बाद आपको साथ में यहाँ पे फाइल भी अटैच करनी है, यहां से जो है फाइल अटैच होगी, सिंपली इस पे क्लिक करिएगा आप, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये किया है, आप इसको यहाँ से कॉपी करिएगा और इसको सेंड आउट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप इन पे जो है वो अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ज़्यादा कॉल ना करें, क्योंकि मुझे कम से कम कल परसों से लेकर बहुत ज़्यादा रिप्लाईज आ रहे हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो ग्रुप में हर स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे हैं और बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं उसमें, तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप क्लिक कर लीजिएगा, और साथ में हम वहां पे डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, हम क्यूज के माध्यम से मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चंस पूछता हूँ वहाँ पे, और पूछने के बाद स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, और उस वजह से वो उनका जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें, एक बार आप जरूर चेकआउट करें। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, एक्चुअल में मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है, फिर भी टाइम निकाल के आप तक जो है वो सही राइट कंटेंट इसी तरीके से पहुँचाता रहूँगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स,
फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आपको नॉलेज मिल रहा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। जो भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो उसे जरूर शेयर करिएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और साथ में फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जो कि जीके के क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हैं। और मेरा मिशन है 2024 में 10 लाख जीके क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुंचाना। वो मैं तभी आप तक पहुंचा पाऊंगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। और आप भी अगर डेली 2 या 3 क्वेश्चन टाइप करके ग्रुप में भेजोगे तो उसका एक हम क्वेश्चन बैंक बना देंगे, और डेली का हम 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप सोच लीजिए कितने क्वेश्चन होते हैं। 10 दिन के 200 क्वेश्चन होते हैं एंड 600 क्वेश्चन एक मंथ में होते हैं, और 600 मंथ एक मंथ में हो तो एक साल में आप सोचिए कितने क्वेश्चन होंगे आपके। धीरे धीरे जैसे जैसे होंगे हम उस क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे, उससे 20 से हम 50 भी ले जाएंगे। बट आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए उस चीज के लिए। तो फ्रेंड्स किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है तो जरूर कमेंट करिएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी पूरी की पूरी क्वेरी जो है वो सॉल्व आउट होगी होगी। फिर भी यदि किसी को कोई भी परेशानी होगी तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा। और ईमेल आईडी का आप ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी जो है वो आपको आपकी टीजीटी आर्ट्स की जो भी आंसर की आई हुई है उसके अंदर भी मिल जाएगी। और साथ में फ्रेंड्स इसमें एक बार लिटिल कन्फ्यूजन ये भी हो रहा है कि बोर्ड ने जो प्रोविजनल आंसर की दी है उसके अंदर आंसर क्वेश्चन के अंदर आंसर सही है, बट उनका जो आंसर की के अंदर ऑप्शन दिया है वो गलत है। तो फ्रेंड्स उस तरीके की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो उसका मार्क्स एड ऑन होगा, क्योंकि हो सकता है मे बी प्रोविजनल की बनाती बार बोर्ड से गलती हुई हो तो उसे वो करेक्ट कर देंगे फाइनल आंसर की जो भी रिलीज की जाएगी। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर वहां पे है ही नहीं, जो कि आपको ग्रेस मार्क डेफिनेटली मिलेंगे। तो हर टेट एग्जामिनेशन टीजीटी आर्ट्स जेबीटी एंड शास्त्री के क्वेश्चंस को भी मैंने देखा है, तो देन 2 से 3 मार्क्स का इजीली आपको ग्रेस मिलने वाला है जो कि डेफिनेटली मिलेगा। बट आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन शीट जो है वो बोर्ड को भेजे, और यदि आप ज्यादा से ज्यादा भेजोगे देन तो डेफिनेटली आपका टैट जो है वो क्लियर होना हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो 80 और 85 एंड 90 एंड 92 के बीच जो है वो अटक रहे हैं, क्योंकि मुझे जितने भी मैसेज आया था कि सर हमारा 2 से 3 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस है। और फ्रेंड्स आप जो है वो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी जो है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स निकलने वाली हैं, और उन गवर्नमेंट जॉब में हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। खासकर एचपी का जीके जो है वो एचपी का जीके इंडिया जीके करंट अफेयर की टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, इसका मैं आपको इस तरह से कंटेंट बना के दे दूंगा कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और रही बाकी सब्जेक्ट की तो उसके लिए भी हम धीरे धीरे जो है वो एड ऑन करेंगे, टीचर्स या किसी के हमें हमारे दोस्त जो होंगे उनकी सपोर्ट मिलेगी, तो उनकी सपोर्ट लेके भी आप तक वो कंटेंट पहुंचाना हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में फ्रेंड्स किसी भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में ये इम्प्रूवमेंट्स होना है तो आप वो भी कमेंट करिएगा, वो भी हम अपने आने वाली वीडियो में जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।